इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक। स्टार्टिंग में बताते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते होंगे। उन दिनों में ज़्यादातर गर्ल्स जो है मिडिल क्लास की, मतलब सॉरी आज के टाइम पर नाउ डेज ज़्यादातर जो मिडिल क्लास की गर्ल्स हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और वो लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना, और हमने ये देखा है कि हम लोग पहले स्कूल जाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और उसके बाद जॉब लेते हैं। और लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं कि पहले उन्होंने पढ़ाई करी, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह गई और फिर जॉब करी। और फिर एडल्ट्स जब होते हैं 18 की एज से पहले, अभी तो 18 की एज के बाद मैरिज कर सकते हैं, अब शायद लॉज में कुछ बदलाव आ जाए समय के साथ साथ, तो मे बी और ज़्यादा एज बढ़ा दी जाए, तो दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। तो एडल्ट होना ज़रूरी है लीगली मैरिज करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग। वो किसी से भी शादी कर सकती हैं लड़कियां, चाहे वो किसी, मतलब लड़की किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। और विडोज यानी कि जो विधवा हैं वो पुनर्विवाह मतलब दोबारा से शादी कर सकती हैं। सारी की सारी विमेन मैन के तरह ही वोट देती हैं और इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं। ऑफकोर्स ये राइट्स जो हैं ये एक्चुअली हर किसी के पास नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास ये राइट्स है पढ़ने का, फिर उसके बाद जॉब करने का, राइट्स तो सबके पास है मगर हर कोई इन राइट्स को अवेल नहीं कर पाता, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ज़्यादातर जैसे कि जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। पुअर जो है उनके पास लगभग आज के टाइम पे तो काफ़ी एक्सेस आ गई है एजुकेशन की, बट फिर भी बहुत ही पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं वो एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। तो काफ़ी सारी फैमिलीज में वुमेन मतलब गर्ल्स के पास कोई हक नहीं होता कि अपने हस्बैंड को खुद चूज़ करे, जो फैमिली मतलब उनके लिए ला देती है या फिर उनको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ऐसा भी आज भी हमारे समाज में चलता है 200 ईयर्स अगो, है ना। आज का समाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है, हमारे पास एज अ फैमिली एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा हमें आज़ादी मिल चुकी है। आज से 200 साल पहले ना ही पढ़ने की आज़ादी थी, ना ही अपने तरीके से जीने की आज़ादी थी। आज बहुत बदलाव आ चुके हैं, लगभग 200 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी। ज़्यादातर चिल्ड्रन ज़्यादातर जो है ना 5-6 साल 6 साल 10 साल 11 साल, मतलब आप समझ लो 11-12 साल की बच्ची की तो शादी होनी ही होनी है, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। और बोथ हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उसमें दोनों धर्मों के आदमी जो हैं वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। आज तो कोई हिंदू मैंने एक से ज़्यादा वाइफ रखे तो वो इलीगल होता है, है ना। उस समय पर कोई भी सब मतलब सारे आदमियों को परमिशन थी कि वो कितनी भी वाइफ्स रख सकते हैं, कितनी भी शादियां कर सकते हैं। कुछ पार्ट कंट्री के ऐसे थे जहाँ पे विडोज वर प्रेस्ड, विडोज मतलब जो होती है विधवा, उनको प्रेस किया जाता था, मतलब उनकी तारीफें होती थी कि अगर वो अपने पत्नी, जैसे कि पत्नी है उसका पति मर गया है, अगर पत्नी अपने पति की चिता में जिंदा जल जाए तो बहुत ही उसको अच्छा माना जाता था, उसकी तारीफें की जाती थी और कहा जाता था ये तो सती है। सती की पिक्चर जो है यहाँ पर ड्रॉ की गई है, तो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कि इट वॉज़ वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाई यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ बारबेरियनिज्म ऑफ द ईस्ट। तो प्रैक्टिस ऑफ सती मतलब एक औरत को जिंदा जला देना उसके पति के चिता में, एक बहुत ही बर्बर और एक बहुत ही खराब चीज़ की तरह देखा गया यूरोपियंस के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, आप खुद सोचिए एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इस तरीके के रिचुअल्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और विमेन जो कि मरती थी इस तरीके से, उनको सती कहा जाता था और कहा जाता था ये तो वर्चुअस वुमेन है, ये तो बहुत ही अच्छी औरत है। विमेन के पास प्रॉपर्टी का कोई भी राइट नहीं था। बिसाइड ज़्यादातर वुमेन जो है वर्चुअली उनके पास कोई मतलब हेड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई तो औरतें कर ही नहीं सकती थी। कई सारे पार्ट देश के ऐसे थे वो ऐसे समझते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी, मतलब पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा। इस तरीके की बातें बहुत सारे भाग में, बहुत सारे एरियाज में हमारे देश के समझी जाती थी, मानी जाती थी। और डिफरेंस जो है मैन और वुमेन का वो सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं था। मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट, मतलब एक इंसान को सिर्फ औरत या आदमी के बीच में ही नहीं बांट रखा था बल्कि कास्ट के बीच में भी। खैर कास्ट का सिस्टम तो आज भी बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है हमारे देश में, और आज से 200 साल पहले तो सोचिए कितना ज़्यादा होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को अपर कास्ट माना जाता था और बाकी सारे जो व्यापारी ट्रेडर्स होते थे या फिर मनी लैंडर्स होते थे जिनको वैश्य कहते हैं, उनको ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे रखा जाता था। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो मतलब कहते थे ऐसा माना जाता था
था पहले कि भाई जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है ये तो ऊंचे हैं, और जो वैश्य और शूद्र है, मतलब वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों के नीचे हैं और शूद्र तो बिल्कुल ही नीचे हैं, वो तो मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे। तो क्षत्रियों के नीचे हैं और शूद्र तो बिल्कुल ही नीचे हैं, वो तो मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको अपर कास्ट मानते थे, और ट्रेडर्स व्यापारी मनी लेंडर वो वैश्य उनको ब्राह्मण क्षत्रियों से नीचे माना जाता था। और पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, वीवर्स, पॉटर्स, इनको हम लोग मतलब हम लोग क्या यार, हम लोग तो मतलब आज के समय पे तो ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। पहले ज़माने में इनको शूद्र कहा जाता था, जो वीवर्स मतलब बुनकर होते थे या फिर घड़ा बनाने वाले होते थे, इन सबको कहा जाता था शूद्र है ये। और एट द लोएस्ट रैंक वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्क एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग। तो मतलब कुछ ऐसी जॉब्स भी होती थी, सबसे नीचे उनको समझा जाता था जो अपर कास्ट समझती थी ये तो बहुत ही गंदा काम है, जैसे कि टॉयलेट साफ करने का काम, नालियाँ साफ करने का काम। और अपर कास्ट कहती थी कि भाई ये तो हमें पल्यूट कर देंगे, अगर ये हमारे आस पास भी आ जाएंगे हमें गंदा कर देंगे। और इससे क्या होता था, दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। तो इसका मतलब ये ऐसा मानते थे कि अगर अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो बिल्कुल नीची कास्ट है, जैसे कि जिनको अनटचेबल या फिर अनटचेबल ही कहा जाता था, कि अगर ये आसपास आ गए ना हाई कास्ट के, तो हाई कास्ट वाले पर्सन की भी जाति लूज हो जाएगी, जाति खत्म हो जाएगी। तो अपर कास्ट जो थे ना वो अनटचेबल्स को बहुत ही मतलब ट्रीटेड, द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, मतलब छुआछूत के होते ना, छुआछूत की जो वो है प्रथा थी, वो अनटचेबल्स जो बिल्कुल नीचे काम करते थे साफ सफाई करने वाले, उनको बहुत बुरा समझा जाता था। उनको टेम्पल्स में आना भी अलाउड नहीं था, उनको कुएं से पानी भरना भी अलाउड नहीं था, जहाँ पर अपर कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी भरते थे ना, उस कुएं से अनटचेबल लोग पानी नहीं भर सकते थे। और तालाबों में नहाने की मनाही थी जहाँ पर अपर कास्ट नहाते थे। और देवर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, तो जो अनटचेबल्स थे उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह समझा जाता था, कि मतलब ये तो निचले दर्जे के वो है, ह्यूमंस है। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव स्लोली चेंज। तो 19th और 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। तो 19th-20th सेंचुरी में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे। तो वर्किंग टुवर्ड चेंज, कैसे कैसे बदलाव आए। अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे कि जो सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिस हैं, ये मतलब इनका नया करेक्टर आना चाहिए, इनमें बदलाव आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इतने ज़्यादा 19th और 20th सेंचुरी में इतने ज़्यादा जो बदलाव आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ था। जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप फ़ोन पे बात करते हैं, आप इंटरनेट चलाते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, है ना, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन, लीफलेट्स और पैम्फलेट्स ये प्रिंट हुए। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में किताबें छपने लगी, मैगजीन्स छपने लगी, और वो पैम्फलेट्स होते हैं ना, वो जो पर्चे बांटते रहते हैं, ये सब छापे जाने लगे। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, ऐसी किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और ये जो प्रिंटेड किताबें थी काफ़ी सस्ती होती थी, इसलिए ऑर्डिनरी लोग भी इनको पढ़ सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी ही भाषा में। सारे के सारे इशूज़ जो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी ही भाषा में। सारे के सारे इश्यूज़ जो चाहे सोशल हो, थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, ऐसी किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और ये जो प्रिंटेड किताबें थी काफ़ी सस्ती होती थी, इसलिए ऑर्डिनरी लोग भी इनको पढ़ सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी ही भाषा में। सारे के सारे इश्यूज़ जो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, इनके बारे में डिबेट होने लगी। डिबेट का मतलब है बातचीत होने लगी और डिस्कस करने लगे, डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन एज वेल, आदमी औरत इनको डिस्कस करने लगे, नए नए
शहरों में डिस्कशंस जो हैं काफ़ी बड़ी पब्लिक तक पहुंचते थे एंड कुड बिकम लाइन टू मूवमेंट्स ऑफ सोशल चेंज. मतलब इतने ज़्यादा बदलाव भी आ जाते थे समाज में कि मतलब इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई, न्यूज़पेपर्स में लिखा गया, इतने लोगों ने पढ़ा तो लोगों के मन में बदलाव आया, फिर एक तरह से आंदोलन से खड़े हो जाते थे इनकी वजह से. तो दीज डिबेट्स वर अफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स. तो ये डिबेट्स जो है वो स्टार्ट की गई थी काफ़ी सारे इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा, रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा. वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय. तो एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने फाउंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज. तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज, ये चीज़ ना आप लोग को मतलब याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी. लेटर उसको पहले तो ब्रह्मो सभा कहा जाता था उसको, जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में उसका ब्रह्मो समाज नाम हो गया था. कलकत्ता में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था. पीपल जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनको रिफॉर्मर कहा जाता है. रिफॉर्मर क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में ज़रूरी बदलाव लेकर के आए और जो बुरी प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की. उन्होंने सोचा कि बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परसुएडिंग पीपल. तो मतलब बेस्ट वे है कि भाई किस तरीके से ये जो बुरी बुरी प्रथाएँ हैं, सती प्रथा जैसी, इनको ख़त्म किया जाए. तो उन्हें समझ में आया कि भाई लोगों को परसुएड करो कि भाई जो आपकी बुरी आदतें हैं इनका, उनको छोड़ो, ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ो और एक नया जीने का तरीका अपनाओ. तो परसुएड करो लोगों को कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, समाज के लिए गलत है और हर किसी के लिए गलत है, और उससे लोग मान जाते कई बार कानून बनाने पड़ते हैं, है ना. तो राजा राम मोहन रॉय वॉज इन टू स्प्रेड. तो राजा राम मोहन चाहते थे कि एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो स्प्रेड हो कंट्री में, जिससे ग्रेटर फ्रीडम आए और इक्वालिटी आए वुमेन के लिए. तो देखिए वेस्टर्न कल्चर में वुमेन कंपैरेटिवली इंडियन कल्चर से या फिर ईस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी. तो राजा राममोहन रॉय चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो पढ़ाई जाए हमारे देश में भी, ताकि वुमेन औरतों को ज़्यादा आज़ादी मिले. उन्होंने लिखा था, ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क. तो मतलब राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि किस तरीके से वुमेन घर का सारा काम करती हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी किचन में ही रह जाती है और उनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करने दी जाती है. ये राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर है. अब चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, तो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए काम किया था राजा राम मोहन रॉय ने. और राजा राम मोहन रॉय पर्टिकुलरली उन्होंने राजा राम मोहन रॉय वॉज मूव्ड बाय द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विडोज इन देयर लाइफ्स. ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती. तो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था. राजा राम मोहन रॉय को बहुत सारी भाषाएं आती थी, संस्कृत, पर्शियन और लैटिन और बहुत फ्रेंच, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी. इनको पॉलीग्लॉट बोला जाता है, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों. और उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा लिखते भी थे. इन्होंने अपनी राइटिंग्स में ये दिखाने की कोशिश की कि विडो को जिस तरीके से जलाया जाता है ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. देयर वॉज विडो बर्निंग हैड नो सेंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट. जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें विडो बर्निंग को कहीं भी सही नहीं माना गया है. अर्ली 19th सेंचुरी में एज वी हैव रेड चैप्टर 7 में पढ़ा था कि काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था इंडियन ट्रेडिशंस को, इंडियन कस्टम्स को. तो ब्रिटिशर्स जब देखते थे यार किस तरीके से मतलब औरतों को जिंदा चलाया जा रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे अंग्रेज हमें. और हमारे देश के लोगों ने भी कहा कि भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है. तो राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की. सती क्या होता, सती क्या है, मतलब पति अगर मर गया है तो पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला, तो ये होता है सती. तो ये सारे कस्टम्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया. और राजा राम मोहन रॉय जो है वो काफ़ी रिप्यूटेड लर्नड मैन थे, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी रिप्यूटेशन वाले पर्सन थे, तो सब उनकी सुनने को भी तैयार थे. तो 1829 में सती बैन हो गई. तो ये ईयर भी आप लोग याद रख लीजिए कि सती बैन कब हुआ. सती बैन हुआ है 1829 में. द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज बाई लेटर रिफॉर्मर्स. तो स्ट्रैटेजी क्या थी राजा राम मोहन रॉय की, उन्होंने मतलब राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि भाई देखिए पुराने ज़माने में सदियों से हमारे देश का जो कल्चर चला आ रहा है उसमें सती प्रथा तो कहीं भी है ही नहीं, तो आप क्यों कर रहे हैं. हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है सती के बारे में. तो यही चीज़ बाकी सारे रिफॉर्मर्स जैसे कि विडो रीमैरिज कराने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए पुराने पुराने ग्रंथों का सहारा लिया गया, लोगों को समझाने के लिए कि भाई हमारे समाज में ये सब होता था, आज जो कुरीतियाँ आ गई हैं ये पहले नहीं थी, इनको मत मानो. तो प्रैक्टिस जो थी पुराने ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को आराम से समझा दिया. अभी देखिए जरा हुक स्विंग फेस्टिवल, इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है ये. इसमें एक अजीब सी सफरिंग दी जाती है और क्या किया जाता है, स्किन में आपके हाथ में हुक घुसा दिए जाते हैं और फिर उसको लटका दिया जाता है. यूरोपियन ऑफिशियल्स ने देखा कि भाई ये भी बहुत ख़राब है. और किसके हुक लगाए जाते हैं, दलित्स, जो गरीब लोग हैं, अनटचेबल्स जिनको माना जाता है, उनके हाथों में हुक लगा के उनको लटका दिया जाता है कि भाई
तड़पो तो कितना बारबेरिक और कितनी खराब चीज है। तो इसमें एडवोकेट ऑफ सती मतलब अपोनेंट ऑफ सती, एडवोकेट ऑफ सती का मतलब होता है कि सती के फेवर में कौन लोग थे और सती को नापसंद करने वाले। सती कोई लड़की नहीं है, सती है एक प्रैक्टिस जिसमें औरत को जला दिया जाता है। तो इसमें जो सती के कहते हैं कि सती सही है, ये कहते हैं कि वुमेन जो है ना बाय नेचर इन्फीरियर होती है, मतलब वुमेन के अंदर दिमाग कम होता है और वो कोई भी काम नहीं कर सकती हैं सही से, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर जो है अपनी मतलब अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उनका कोई काम होता नहीं है दुनिया में, इसलिए उनको मर ही जाना चाहिए। और जो सती के अपोनेंट है वो कहते हैं कि आपने वुमेन को अपॉर्चुनिटी तो दी नहीं, आपने तो उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, आपने उन्हें कोई घर के रसोई के अलावा उन्हें कोई काम नहीं नहीं दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वुमेन इंफीरियर है। वुमेन को आप नॉलेज दें, विजडम दें और फिर उसके बाद आप तय करें, क्योंकि अगर कोई आपने किसी इंसान को पढ़ाया फिर वो रिजल्ट नहीं ला रहा है तो आप कह सकते हैं वो इंफीरियर है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप किसी को बिना पढ़ाए कैसे कह सकते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो नहीं पढ़ता है ना। तो ये बात है। अब ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सती प्रथा का अंत किसके एफर्ट्स की वजह से हुआ, वो हुआ राजा राममोहन रॉय के एफर्ट्स के बाद, और लॉ लाया गया था 1829 में सती प्रथा को खत्म करने के लिए। अब आते हैं एक और रिफॉर्मर के बारे में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं उन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट की हेल्प करी, हेल्प ली सॉरी, एंशियंट टेक्स्ट की हेल्प ली, पुरानी किताबों की या फिर पुराने ग्रंथों की हेल्प ली, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे देश में जो विधवा है उनका पुनर्विवाह हो सकता है, विडो री मैरिज या फिर विधवा पुनर्विवाह किया जा सकता है। और ये सजेशन भी ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक्सेप्ट कर लिया और लॉ पास कर दिया 1856 में विडो री मैरिज को, मतलब परमिट करने के लिए कि भाई विडोज री मैरिज कर सकती हैं। और दोज हु वर अगेंस्ट द री मैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। तो कुछ लोग जो जिनको ये आइडिया बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई विधवा दोबारा से शादियां कैसे कर सकती हैं, तो उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इस आइडिया को बहुत ज्यादा नकार दिया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि जो विडो री मैरिज एक्ट कब लाया गया, 1856 में, सेंचुरी के हाफ के बाद, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 19th century का जो बाद वाला टाइम था, और मूवमेंट चले कि विडो की दोबारा रीमैरिज होनी चाहिए अलग अलग पार्ट्स में। और तेलुगु स्पीकिंग, जो तेलुगु स्पीकिंग वाला रीजन है मद्रास प्रेसिडेंसी का, उसमें वीर सलिंगम पंटलु, ये बिल्कुल नाम याद रखिए, वीर सलिंगम पंटलु, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विडो रीमैरिज के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रीमैरिज के लिए एसोसिएशन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में किसने बनाई थी, तो वीर सलिंगम पंटलु ने ये एसोसिएशन बनाई थी। इसी टाइम अराउंड द सेम टाइम काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज्ड देमसेल्व्स टू वर्क फॉर द सेम कॉज। तो काफ़ी सारे और भी लोगों ने प्लेज किया कि हम विडो रीमैरिज के लिए काम करेंगे। नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एसोसिएशन बनाई आर्य समाज नाम की, ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो ये कौन थे, ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने ये सारा का सारा काम मेनली स्टार्ट किया था और जिनके एफर्ट्स की वजह से अंग्रेजों ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। फिर ये ईश्वर चंद विद्यासागर का काम था। अब इसके बाद आर्य समाज से कौन रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इससे पहले ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, वो की थी राजा राममोहन रॉय ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था आर्य समाज। तो देखिए जो DAV स्कूल्स होते हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने भी सपोर्ट किया विडो रीमैरिज के आइडिया को, और काफ़ी सारे विडोज थी जो उन्होंने एक्चुअली मतलब मैरिज, मतलब क्या हुआ ना देखिए कि बहुत सारे एक्ट बन गए, एक्ट भी बन गया, बहुत लोगों ने काम भी कर लिया, बट बहुत ही कम ऐसी विधवा थी जिनकी दोबारा उस समय पर शादी हो पाई थी। Those who married were not easily accepted in society and conservative group continued to oppose the new law. तो जिनकी मतलब शादी हो भी जाती थी तो सोसाइटी में लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपनाते नहीं थे, और जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो तकिया अनुसूची में चारधारा के लोग थे, जो पुराने जमाने की आइडियोलॉजी में जीते थे, उन्होंने भी पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया आर्य समाज, इंपॉर्टेंट है, 1875 में। अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म जो खराब हो चुका है उसको ठीक किया जाए। अब ये जो है ना आगे का चैप्टर है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, ये वाला हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे।